एवरी वन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस स्वागत है आप सबका टू मिनट सीरीज में आज हम इस वीडियो में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में डिटेल्स जानेंगे अब ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इट इज दिस बर्ड एंड इट इज ऑलवेज अ न्यूज और इसके प्रिलिम्स में आने के चांसेस भी हमेशा ज्यादा रहते हैं राइट right? सो so जानते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बस्टर्ड है बस्टर्ड आर बेसिकली लार्ज टेरेस्ट्रियल बर्ड्स ठीक है टेरेस्ट्रियल बर्ड्स वो होते हैं जो ज़मीन पे ज़्यादा देखे जाते हैं राधा देन इन uh, फ्लाइट या उड़ते हुए ठीक है और जो टेरेस्ट्रियल बर्ड्स होते हैं ना दे बेसिकली दे डू रूस्टिंग एंड जो भी उनकी नेस्टिंग uh, होती है वो थोड़े कम हाइट पे वो करते हैं लोअर बुशेस में करते हैं राधा देन हाई ट्रीज ठीक है तो उनको टेरेस्ट्रियल बर्ड्स कहा जाता है रूस्टिंग इज देयर रेस्टिंग है ना उसको हम रूस्टिंग कहते हैं तो वो मोस्टली लोअर जगहों पे करते हैं इसीलिए जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है या बस्टर्ड्स हैं ये आपको ग्रासलैंड्स में ज़्यादा मिलते हैं जहाँ पे पेड़ इतने ज़्यादा नहीं होते ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ बस्टर्ड अलॉन्ग विद डैट वी हैव फ्लोरिकिन्स ऑल्सो विच आर अ टाइप ऑफ बस्टर्ड्स वो भी इंडिया में मिलते हैं अगर आपने सुना हो बंगॉल फ्लोरिकन है लेसर फ्लोरिकन है सो so, ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इट इज़ वन ऑफ द हेवीस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इन द वर्ल्ड ठीक है और इसको हम स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान के वजह से भी जानते हैं सो इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान इनफैक्ट जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना इसकी जैसे हम बोलते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली ना इसका जो नंबर है लेस देन वन फिफ्टी है और मेजॉरिटी जो ये नंबर है ये आपको डेजर्ट नेशनल पार्क इन राजस्थान में ही मिलता है सो so राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन है अगर हम देखें इंडिया में राइट right? किसी टाइम पर ट्वेल्व थी अब इट हैज डिक्लाइंड टू लेस देन वन फिफ्टी एंड इट इज कंसिडर्ड एज द फ्लैगशिप ग्रास लैंड स्पीशीज ठीक है तो अगर ये किसी ग्रास लैंड में आपको मिलती है तो उसका मतलब है कि वो ग्रास लैंड है वो काफी हेल्दी है अब वी हैव लेस देन टू हंड्रेड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स रिमेनिंग इन द वर्ल्ड और मेजोरिटी जैसे कि मैंने आपको बताया राजस्थान डेजर्ट नेशनल पार्क में ही है सो वी वुड बी लूजिंग वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ लूजिंग दिस बर्ड एंड इट वॉज वन अ स्ट्रॉग कंटेंडर टू बी डिक्लेयर्ड एज एन इंडियन नेशनल बर्ड ठीक है जब पीक uh, ऑफ को डिक्लेयर किया गया था तो ये भी कंटेंशन uh, में थी ये भी उस लिस्ट में थी ओके सो लाइक आई सेड जो बस्टर्ड्स अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें ना तो ये ओपन लैंडस्केप्स प्रेफर करते हैं जहां पे minimum, uh, हो, पेड़ कम हो, इनको दूर तक दिखे एंड दैट इज़ दे वेल इन ठीक है सो मोस्टली इसकी जो पॉपुलेशन है राजस्थान और गुजरात में ही है राजस्थान में मेजोरिटी है गुजरात में भी ना हार्डली डजन ऑफ देम रिमेन राइट और कुछ uh, जो नंबर्स हैं अगर आप मैप पे भी देखेंगे ना आपको कर्नाटका आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र में आपको दिखा हैं, इवन मध्य प्रदेश में भी है लेकिन मेजोरिटी पॉपुलेशन राजस्थान में है और कुछ नंबर्स आपको गुजरात में रीजन right? क्या है्यूमन uh, के uh, uh, बढ़ने की वजह से हो रहा है यानों uh, you know, की वजह से हो रहा है दैट इज डिफरेंट बट इनका जो हैबिटाट है वो श्रिंक हो रहा है लैंड यूज़ पैटर्न बदल रहा है जैसे पहले जो आ, 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 ग्रास लैंड्स ने नाउ दे आर कन्वर्टेड बींग कन्वर्टेड इन टू एग्रीकल्चरल लैंड्स ठीक है वहाँ पे एग्जॉटिक और इन्वेजिव स्पीशीज़ आ रही हैं ग्रास लैंड एकोसिस्टम्स में जो भी इनके लिए काफ़ी हानिकारक हैं ये जो आ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स होते हैं ना दे आर ओमनी वोरस सो दे आर गोइंग टू फीड ऑन दी इंसेक्ट्स एंड दे आर गोइंग टू फीड ऑन द ग्रासेज एंड द सीड्स एट्सेट्रा इनफैक्ट जो लोकस्ट अटैक हुआ था लास्ट ईयर इंडिया में तो उस वजह से जो इनका बिकॉज वे आर वेरी रिच इन प्रोटीन्स तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स ने उनके ऊपर काफ़ी अच्छे से फीड किया था और इनकी जो एग लेइंग नंबर्स थे ना वो काफ़ी बढ़ गए थे ठीक है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है डिजर्टिफिकेशन की ग्रास डिजर्टिफिकेशन डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं ठीक है देन स्टेट इंस्टीट्यूशन निगलेक्ट करते हैं जिसकी वजह से ग्रास लैंडस का क्लासीफाइड एज वेस्टलैंड उनका ध्यान नहीं रखा जाता एग्रीकल्चर में उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है उसके बाद नेचुरल जो ग्रेरियन प्रैक्टिसज हैं उनसे हट जैसे हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं केमिकल्स का यूज़ करते हैं जो उनके लिए हानिकारक है फिर ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जो पावर ट्रांसमिशन लाइन्स हैं ना उनके साथ ये टकरा जाते हैं दे गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड ये बहुत एक जो कॉमन रीज़न है जो उभर के आया है इनफैक्ट जब लास्ट ईयर अगर आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में तो सी एम एस है जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज उसका कॉप थर्टीन हमारा गांधीनगर गुजरात में हुआ था जिसका मैक्स मैस्कट ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड ही था जी बी करके ठीक है ये मैंने आगे कवर भी किया है तो उसी दौरान ही गुजरात में दे वॉज दिस यू नो सेवन एट डेथ्स ऑफ ग्रेट इंडियन बास्टर्स राइट उसके बाद विंटर बाइन्स और सोलर फार्म्स भी यही है कि उनके साथ टकरा के मर जाते हैं हंटिंग विच इज क्वाइंट रैमपेंड इन पाकिस्तान पाकिस्तान में इतने ये नहीं मिलते हैं लेकिन जैसे हुबारा मिलते हैं बस्टर्ड हुबारा बस्टर्ड पाकिस्तान में मिलते हैं वो इंडिया में नहीं मिलते तो पाकिस्तान ने इन्वाइट किया था अरब के जो शेख है कि आइए आप और इनको हंट कीजिए तो इस लेवल पे हंटिंग है पाकिस्तान में उसके बाद नॉइस पोल्यूशन जैसे आसपास गांव है जो इनके एरिया जहां परोटेक्टेड है जैसे डेजर्ट नेशनल पार्क के आसपास गांव है तो वहां पे ट्रैफिक चलता है तो वो जो नॉइस पोल्यूशन है ना एक स्टडी हुई थी उससे भी पता चलता है कि इनका नेचुरल ब्रीडिंग साइकिल क्योंकि एनिमल्स ना जो मेल्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो अब वो ब्रीडिंग वो ट्रैफिक में लूज हो जाती है या नॉइज़ में लूज हो जाती है तो फीमेल्स दे डोंट गेट अट्रैक्टेड और इनकी जो ब्रीडिंग है काफ़ी स्लो है एक आधा ही जो एग है वो मतलब इट गेट्स कन्वर्टेड इन एन अडल्ट ठीक है फर्टाइल होता है और अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो बहुत स्लो ब्रीडिंग है और एज भी कम है बारह से पंद्रह साल है तो ये सब चीज़ें हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिक्लाइन अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें आई uh, यू में तो क्रिटिकली एंड है साइट्स में अपेंडिक्स वन है सी में भी ना लास्ट ईयर जब गांधीनगर गुजरात में कॉप uh, 13 की गई थी सी की तभी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एशियन एलिफेंट और बंगाल फ्लोरिकन को अपेंडिक्स वन में इंक्लूड किया गया था ठीक है टू प्रोटेक्ट दीज माइग्रेटरी स्पीशीज अब ये जो सी है ना इस पर भी क्वेश्चन इस साल आ सकता है क्योंकि यू मोस्टली एक साल के लैक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है और शेड्यूल वन भी इसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इट इज प्रोटेक्टेड एप्सोट प्रोटेक्शन शेड्यूल वन तो ये आप देखो कि uh, भी ग्रेट जो है का का लोगो था, इसका थी COP 13 का, क्योंकि गुजरात में ही तो अच्छा उसके बाद ना इंडिया तो उसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आता है फिर एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया थाबिटाट इंप्रूवमेंट एंड कॉन्जर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच इसमें भी ना इसकी कैप्टिव ब्रीडिंग करने की

प्रोटेक्ट दें ठीक है ताकि इनके बारे में अवेयरनेस जनरेट हो ह्यूमन प्रेशर कम हो इनके हाबिटाइट्स में तो दो में कर दिए तो शायद वही कारण है कि राजस्थान में इनका अच्छा नंबर हमें मिलता है उसके अलावा ना जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पावर ट्रांसमिशन लाइन्स हैं ना उनसे टकरा जाते हैं दे गैट इलेक्ट्रोक्यूटेड एंड दे यू नो डाई तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है उसने वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन सोसाइटी इंडिया के साथ ना दे केम अप विथ फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर ठीक है तो ये जैसे ना यहाँ पे एक डाइवर्टर सा लगा देते हैं तो वो चमक जाता है दूर से ही तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को दिख जाता है कि ये एक तार है एंड टकरा सकते हैं उसे तो ये हेल्प कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने में सो वी हैव दिस फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि जितनी भी पावर लाइन्स है उनको अंडरग्राउंड करो फिर टैगिंग भी होती है इनकी अभी रिसेंटली डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में कुछ बर्ड्स की टैगिंग हुई उससे पहले गुजरात में भी हुई थी सो so, इसमें सैटेलाइट टेलीमेट्री यूज़ की जाती है ठीक है उससे हम उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं सो दैट इज आल्सो प्रोसेस टू सी के वेदर दे आर सर्वाइविंग इन द वाइल्ड और नॉट ठीक है सो so, so, ये भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में सो दिस वॉज रिगार्डिंग ग्रेट इंडियन बास्टेड के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ उसे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच listen